हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चकला बेलन में छुपे हैं खुशियों के राज, ये वीडियो आप मेरी देख चुके हैं और उसको आपने बहुत सराहा, बहुत प्रशंसा दी। इसी क्रम में आज मैं आपको चकला बेलन में छुपे हुए हैं आपके स्वास्थ्य के भी राज, आज इस पर प्रकाश डालूंगी। जैसा कि मित्रों आपको पता ही है कि मैं एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट भी हूँ। मैंने काफ़ी वर्षों से एक्यूप्रेशर पर काम किया है और एक्यूप्रेशर के द्वारा हम बहुत सी रोगों से मुक्त हो सकते हैं, अपने जीवन को उत्तम और बेहतर बना सकते हैं। चकला बेलन जिस तरह से हमारे रसोई में सुख समृद्धि प्रदान करता है, उसी तरह से महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी इससे प्राप्त होता है और इसका उन्हें आभास तक नहीं होता। इसके अलावा चकला बेलन का कुछ खास तरह से प्रयोग करके महिलाएं अपने स्वास्थ्य संबंधी बाधाओं को भी दूर कर सकती हैं। वो कैसे, आइए जानते हैं। ये जो चकला आप देख रहे हैं, ये वैसे तो प्लास्टिक का चकला है, आपका पत्थर का या जो भी आपका चकला है उस पर ही आपको ये काम करना है। ये सिर्फ मैंने वीडियो में दिखाने के लिए बच्चों से मैं लेकर आई हूँ, मेरे बच्चों के जो खिलौना है उसका एक है ये चकला, तो इसको उसी तरह से आप लेना। मैं सिर्फ वीडियो में आपको जानकारी देने के निमित्त ये चकला मैं लेकर आई हूँ और ये बेलन मेरा एक एक्स्ट्रा रखा हुआ था लकड़ी का। तो आपको जो पत्थर वाला चकला है वही लेना है क्योंकि उस पर प्रेशर अच्छी तरह से पड़ता है और अगर आप अपने स्लैब पर भी चपाती सेक बनाते हैं, मतलब बेलते हैं, तो भी चलेगा, उससे भी आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ वो किस तरह से। सबसे बड़ी चीज है हमारे जो हाथ होता है, जिसमें कि हमारी फिंगर्स होती हैं उसमें और हमारी हथेली में हमारी रेखाएं तो वर्क करती ही हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे जीवन में जो हमारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं वो भी इनमें छिपे हुए हैं और बहुत सारे ऐसे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं, लगभग सभी रोगों का निदान करने में समर्थ हैं। इनिशियल स्टेज पर कोई भी रोग आ गया है या फिर उसको रोग को हुए काफी समय हो गया तो भी आप उससे उपचार कर सकते हैं, चाहे वो सिरदर्द की समस्या हो, मानसिक तनाव की समस्या हो, पेट दर्द की समस्या हो, गैस की समस्या हो, या कॉन्स्टिपेशन हो, या फिर हृदय की धड़कन वगैरह है वो प्रभावित हो रही है, घबराहट हो रही है। हालांकि जो गंभीर रोग से ग्रस्त है उनको मेडिकल सलाह लेनी आवश्यक है और यहाँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि आप सारे डॉक्टर इलाज छोड़कर चकला बेलन पर डिपेंड हो जाएं, लेकिन चकला बेलन के द्वारा आप अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रख सकते हैं और रोगों को टाल सकते हैं। और रोग हो गया है तो धीरे धीरे, क्योंकि इसमें काफी टाइम लगता है एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट में, इंस्टेंट रिजल्ट, तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेंगे इसके। तो जो भी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं या जिनको स्वास्थ्य संबंधी गंभीर बाधा है, ये वीडियो उनके लिए नहीं है, वो प्रॉपर तरीके से अपना ट्रीटमेंट लेवें। लेकिन जो महिलाएं स्वस्थ हैं और हल्की फुल्की तबीयत उनकी नासाज रहती है, परेशान रहती है, तो उससे इससे उनको लाभ मिल सकता है। हालांकि एक्यूप्रेशर में इतनी सामर्थ्य है कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को वो दूर कर सकते हैं, स्वास्थ्य को संतुलित कर सकते हैं। लेकिन किस तरह से, आइए बताती हूँ। देखिए, हम रोटी बेलते हैं, हम इस तरह से रोटी बेलते हैं, हम अपनी फिंगर से लगाते हैं जोर, और अगर कई बार हम जोर कम भी लगाते हैं, देखिए हमारा, अब जब हम रोटी बनाते हैं, देखिए ऐसे करके पूरा हाथ हमारा आ जाता है इसके अंदर, पूरा हाथ ऐसे आ जाता है, इस तरह से हम रोटी, मतलब इस तरह से हमारी फिंगर्स भी कॉन्टेक्ट में आ गई बेलन के, इसमें हमने प्रेस किया। और आपको पता है एक्यूप्रेशर थेरेपी जो है बेसिकली दबाव बिंदु ही है, दबाव की प्रक्रिया है, हम अपने प्रेशर पॉइंट्स को प्रेस करके और इलाज करते हैं। तो वो किस तरह से करते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये फिंगर है और इसको मैंने यहाँ से दबाया, मान लीजिए ऐसे दबाया मैंने और दबाकर मैंने ट्रीटमेंट किया किसी खास उसका, या मैंने यहाँ दबाया, तो ये अलग अलग चीजें इससे ठीक होती हैं शरीर की और संतुलित होती हैं और स्वस्थ रहती हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि जैसे आपने जिस आपके अंग में आपको प्रॉब्लम है उस जगह पर ज्यादा प्रेस करना है। तो हमारे जो हथेली की जो शुरुआती ऊपर का हिस्सा होता है, स्पेशली जो हमारा जो अंगूठा होता है, ये हमारे सिर को रिप्रेजेंट करता है। हमारे हाथ में ही एक्चुअली पूरी बॉडी है, हमारे हाथ के जो ये ऊपर के हिस्से हैं ये हमारे शरीर के ऊपर के हिस्सों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए इनको, इन पर प्रेशर देने से हमारे शरीर के जो ऊपरी हिस्से हैं वो स्वस्थ रहते हैं। इसमें भी अंगूठा है, जैसे इसके जो साइड के जो पॉइंट्स हैं ये सब हैं, ये हमारे सिर दर्द और सिर से जुड़ी हुई समस्या को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन पर जब प्रेशर दिया जाता है, जब इन पर जब दबाव पड़ता है चकला बेलन पर, जैसे हमने बेला, मैं आपको यही बता देती हूँ, इस तरह से बेला, तो आप देख ही रहे हैं जैसे ऐसे दबाते हैं हम, तो ऐसे दबेगा,
साइड से आपको दिख जाएगा, इस तरह से हमने बेला और यहां से बेला या बीच में से बेला, तो जो बीच का जो हिस्सा है हमारे हाथ का, जो बीच का जो हिस्सा है, इसके अंदर हमारे हार्ट आता है और हमारे जैसे शरीर के समझ लीजिए जो मध्य भाग में जो जो अंग आते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। तो जिस अंग में समस्या हो उस अंग पर, उस हाथ के उस जगह पर ज्यादा प्रेशर देवे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर आपने मान लीजिए ऊपर भी दे दिया, नीचे भी प्रेशर दे दिया, तो उस अंग को भी फायदा मिलेगा, मतलब नुकसान तो कहीं है ही नहीं। अगर सिर दर्द नहीं हो रहा है और फिर भी आपका हाथ आपने दबा दिया सिर दर्द वाले पॉइंट पे या सिर वाले पॉइंट पे, तो उसमें लाभ ही होगा, उसमें कोई नेगेटिव चीज होने की संभावना नहीं है। इसलिए एक्यूप्रेशर के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बस इसमें कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि खाली पेट जब आप हैं तब आप एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट नहीं लेवें, खाने के तुरंत बाद ना लेवें, ये थोड़ी बहुत आपको बातें ध्यान रखनी जरूरी होती है। इसके अलावा आप कभी भी दिन में 3 से 4 बार भी आप एक्यूप्रेशर का प्रेशर ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं चकला बेलन की बात कर रही हूँ और खाना दिन में 2 समय तो बनता ही है, सुबह और शाम को, मतलब लंच और डिनर तो बनता ही है, तो उस दौरान इस तरह से चकला बेलन का प्रयोग करके आप अपने स्वास्थ्य बाधा को दूर कर सकते हैं। और यहाँ बताने का उद्देश्य ये है कि जैसे मान लीजिए आपका जो ये वाला जो निचला वाला हिस्सा है, बिल्कुल ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये शरीर के निचले अंगों का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब हमारा जैसे अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो आप नीचे वाला जो हिस्सा है उस पर प्रेस कीजिए, हमारा जो मणिबंध है ना उससे ऊपर का जो हिस्सा है उस पर, वहां से रोटी को बेलिए और दबाइए। ये बहुत देर तक नहीं करना, थोड़ी थोड़ी देर में आपने सारे प्रेशर पॉइंट पर प्रेस दे दिया, तो इस तरह से आपका रोटी की रोटी बन जाएगी और स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा और एनर्जी लेवल भी आपका बना रहेगा। तो इस तरह से मैं उम्मीद करती हूँ कि चकला बेलन से आपको बहुत फायदा होगा, और आज मैंने जो जानकारी दी आपको शायद नहीं होगी, तो चकला बेलन के द्वारा भी आप अपने स्वास्थ्य को उत्तम बना सकते हैं। आज की वीडियो का यही उद्देश्य था, और इसको एक साइड में लेके चलें, पूर्ण रूप से इस पे डिपेंड ना हो, क्योंकि हर व्यक्ति का स्वास्थ्य का स्तर अलग अलग होता है। तो कल को ये ना हो आपको कि मैडम हमने ये कर लिया हमको फर्क नहीं पड़ा, तो ये उन्हीं लोगों के लिए है कि जो थोड़ी पेशेंस रखते हैं। अगर गंभीरता है किसी भी तरह के स्वास्थ्य में तो डॉक्टरी परामर्श ही लेवें। हम आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप डॉक्टर की इलाज छोड़कर इसमें आए, अगर आप आते हैं तो वो बेहतर है, लेकिन डॉक्टरी इलाज भी, जो भी आपकी दवाई चल रही है, जो भी आप लेते हैं वो प्रॉपर लीजिए। लेकिन हाँ, फिंगर से लेके जो आपकी पूरी पूरा हाथ हो गया, इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि ऊपर का जो हिस्सा है वो सिर और गला और इस तरह के अंगों को रिप्रेजेंट करता है, उससे जो बीच का जो हिस्सा है हाथ का, ये बीच के अंगों को रिप्रेजेंट करता है, और जो हथेली का निचला हिस्सा है ये शरीर के निचले अंगों को रिप्रेजेंट करता है। तो जिस भी अंग में प्रॉब्लम हो तो आप प्रेस कर सकते हैं, जैसे कि टॉन्सिल्स वगैरह हो गए, तो ये जो थंब का जो ये जो हिस्सा है ये आपके गले का हो जाएगा, और जब अंगूठे में आप इस जगह प्रेस करोगे तो टॉन्सिल्स वगैरह और इस पर भी आपको दिक्कत दूर होती है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको फेस के भी कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिन पर प्रेस करके आप लाभ उठा सकते हैं, और ये प्रेशर आप स्नान के दौरान भी दे सकते हैं, तो मैं बहुत जल्दी आपको बताऊंगी। और मेरे एक्यूप्रेशर के ज्ञान के लिए काफी भाई बहनों ने रिक्वेस्ट की थी, तो इसलिए मैं एक्यूप्रेशर का भी आपको नॉलेज दिन प्रतिदिन दूंगी। इसके अलावा मैं आपके लिए एक दो ऐसी चमत्कारिक चीजें प्रारंभ करने जा रही हूं जिसके लिए आपको किसी ज्योतिषी को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, आप खुद अपनी कुंडली जान सकेंगे। ये बहुत जल्दी मैं प्रारंभ कर रही हूँ मित्रों, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।